नमस्कार, मैं हूं गुड्डू और आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मधुपुर में संघर्ष यात्रा के दौरान जनसभा में भाजपा पर जमकर बरसे हेमंत सोरेन, कहा आवाज उठाने वालों को जाना पड़ता है जेल। विधायकों के पक्ष में आदेश देने के बाद जेवीएम कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव का टावर चौक पर किया पुतला दहन। वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा का किया गया शुद्धिकरण, जेएमएम का झंडा लगने के बाद किया गया शुद्धिकरण। और 10 दिवसीय स्वदेशी मेला का विधिवत किया गया समापन, उप महापौर सहित संघ के कई लोग मौजूद। अब खबरें विस्तार से। जेएमएम के द्वारा चलाई गई संघर्ष यात्रा के दूसरे दिन मधुपुर में जनसभा की गई। जनसभा जेएमएम सरकार के पूर्व मंत्री हाजी हुसैन के द्वारा आयोजित की गई थी। जनसभा में हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वहां मौजूद हजारों लोगों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्थानीय नीति, SC ST एक्ट, भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार की विरोधी नीतियों पर सरकार का दुष्प्रचार किया। अपने भाषण के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा की सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। भाजपा के विरोध में उठने वाली हर एक आवाज को दबा दिया जाता है। जिसने भी भाजपा के विरोध में आवाज उठाई उसे जेल की हवा खानी पड़ी। CAG SC ST कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, नियोजन नीति के माध्यम से दूसरे राज्यों को लोगों को लाभ मिल रहा। आज इस सरकार से आप कोई हक अधिकार मांग भी नहीं सकते। अगर हक अधिकार के लिए आप आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे, या तो आपको पुलिस का गोली खाकर मत जान देना पड़ेगा, या तो जेल में जाकर सड़ करके अपना जान देना पड़ेगा। ये सरकार की नीति। आपने देखा पारा शिक्षकों के साथ क्या हुआ। आंदोलन कर रहे थे तो मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि जो अगर हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा उसको इतना केस ला देंगे कि जीवन भर जेल का चक्की पिसता रहेगा। यही बोलता था बेचारा। आंदोलन करते करते 50-60 पारा शिक्षक मर गया। उसका बाल बच्चा सब टूअर हो गया, सड़क पर आ गया भीख मांगने के लिए, लेकिन सरकार के काम में जो तक नहीं रहेगा। ये सरकार, ये गरीबों की सरकार है क्या? ये वेलफेयर सरकार है, कल्याणकारी सरकार है? नहीं। ये दिल्ली में बैठे हुए ये बड़े बड़े व्यापारियों के लठेर के रूप में ये काम करते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है इस राज्य से, इसी वजह से ऐसा निर्णय लेते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों जेएमएम की संघर्ष यात्रा चल रही है और इसी बीच 20 और 21 फरवरी को जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 2 दिनों के लिए देवघर यात्रा पर हैं और जगह जगह सभाएं भी कर रहे हैं। इस सभा से भाजपा बौखला गई है। तथाकथित भाजपा नेता और क्षत्रिय विकास मंच के बागडोर संभालने वाले बबलू सिंह को यह बातें हजम नहीं हुई और जेएमएम को नीचा दिखाने के लिए नए फंडा का इजाद किया। गौरतलब है कि संघर्ष यात्रा के दौरान जेएमएम के हेमंत सोरेन ने वीर कुंवर सिंह चौक पर भी माल्यार्पण किया था। इस दौरान वहां पार्टी के झंडे भी लगाए गए थे, लेकिन अचानक 21 फरवरी को बबलू सिंह के द्वारा जेएमएम के झंडे को तार तार कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक पार्टी का झंडा लगाने से शहीद स्मारक का तौहीन हुआ है और इससे छुटकारा पाने के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा को गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। आज जब सुबह हम लोग निकले थे तो देखे थे कि पूरा वीर कुंवर सिंह प्रतिमा स्थल को राजनीतिकरण कर दिया गया और इसकी लगातार हमने प्रशासन से बात की। हमने माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के पास 8 बजे गए और उनको बोले भी कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, वहाँ पूरा झंडा लगा दिया है और शहीद स्थल पर कोई भी शहीद स्थल हो पूरा देवघर में या पूरे देश में, वहाँ पर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। इससे क्षत्रिय समाज बहुत आहत हुआ और हम लोग जो है सभी सदस्य क्षत्रिय समाज के और अभी संगठन के लोग आकर वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा स्थल को गंगा जल से पवित्र किए और बाल्ला बनाकर जो वहां पर झंडा था उसको हटा दिए। जेबीएम कार्यकर्ताओं के द्वारा टावर चौक के पास झारखंड विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान जेबीएम के कार्यकर्ताओं ने दिनेश उरांव मुर्दाबाद के नारे लगाए।
जेवीएम नगर अध्यक्ष विनोद वर्मा ने बताया कि बीजेपी सरकार 4.5 साल तक जनता को अंधेरे में रखने का काम किया है और अब जब चुनाव सामने है तो फैसले सुनाए जा रहे हैं और वो भी फैसला इस तरह जिस पर यकीन नहीं किया जा रहा। हम आपको बता दें कि बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर बुधवार को आदेश पारित कर दिया गया जिसमें झारखंड में सत्ता के लुलोपित 6 विधायक के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इस आदेश के बाद जेवीएम ने इसे मजबूती से सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात की है। देखिए, कल झारखंड के इतिहास में काला दिन लिखा गया। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव जी ने झारखंड की जनता को 4.5 साल तक बुड़बक बना के रखा और अपना जो आका है उनके निर्देश पर कल उन्होंने एक काला आदेश पारित करते हुए 6 विधायक का जो दल बदल मामला था उसको उन्होंने सही ठहराते हुए भाजपा के पक्ष में फैसला दिया है जो कि काला दिन के रूप में लिखा जाएगा। और हम लोग लोकतंत्र के हत्यारे इस विधानसभा अध्यक्ष का हम लोगों ने पता धन किया है और अगर इससे भी अगर चेती नहीं है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और पुनः विधानसभा अध्यक्ष को इस कानून को इस आदेश को वापस लेना होगा। दिनेश उरांव जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो संविधान का एक तरह से धज्जी उड़ाने का काम किए हैं। 10वीं अनुसूची के तहत जो 6 विधायक दल बदल किया है उसका सदस्यता समाप्त होना चाहिए, मगर सरकार के इशारे पर वह जो निर्णय दिए हैं वो गलत है। हम लोग झारखंड विकास मोर्चा उसके विरोध में आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामला को ले जाएंगे और मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को न्याय मिले। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और उसके मूल्यों की मर्यादा का ज्ञान देते हुए हमें उच्च स्तरीय शिक्षा दी। हम इनके स्नेह के आभारी हैं, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको नॉन स्टिक की कुकर लेना है तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। लुमिनस इन्वर्टर चाहिए या फिर बैटरी तो हमारे रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। जूसर ग्राइंडर चाहिए या फिर घरों को सजाने के लिए सिस्का लाइट्स तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। कई उत्पादों का समागम रामा इलेक्ट्रिकल्स, महिला थाना के सामने, देवघर, झारखंड। कॉन्टैक्ट नंबर 7903718368 7903718368। एसकेपी विद्या विहार वैद्यनाथ धाम की बौद्धिक धरा पर शिक्षा की एक बुलंद अभिव्यक्ति, ज्ञान का कुटीर, एक प्रांगण जो है खेलकूद, सांस्कृतिक संरचनात्मक गतिविधियों का संसार।
शिक्षाविद स्वर्गीय बाबू व्रिगोदर सिंह जी के द्वारा स्थापित व एसकेपी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित एसकेपी विद्या विहार बम्पास टाउन देवघर। CBSE दिल्ली से मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय निर्देशक श्री उमाकांत सिंह जी के नेतृत्व में सुदृढ़ व्यवस्था के साथ बेहतर शैक्षणिक माहौल देवघर में एक ऐसा अनोखा विद्यालय जहां बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए SKP विद्या विहार की पूरी टीम कटिबद्ध है। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि विद्यालय को कैसे उत्तरोत्तर विकास किया जाए, इसके लिए अच्छे अच्छे टीम और फैकल्टी हम लोग मंगा रहे हैं। प्लस टू की भी पढ़ाई हम उतने अच्छे ढंग से कराना चाहते हैं जितने अच्छे की अभी तक मैं 10th का हमारा रिजल्ट दिया। विषय और हर एक विधाओं के विशेषज्ञों की मौजूदगी में SKP विद्या विहार के बच्चों को जीवन के हर एक क्षेत्र से संबंधित गुणवत्ता को विकसित करने का भरपूर मौका मिलता है। I just want to be an embattled business tycoon. I want to become an IS officer. I want to become a doctor. I just want to be a fashion designer. I want to do hotel management. And I want to be an IAS. I want to be a banker. I want to be a doctor. I want to be an engineer. My school is best in the city because it has good facilities and the teachers are very good. सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन ही नहीं बल्कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग, क्रिएटिव सेंस डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पेंटिंग, योगा, क्रिएटिव राइटिंग और स्पीकिंग पावर आदि सभी तरह के को क्यूरिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण विकास का प्रयास SKP विद्या विहार बम्पास टाउन देवघर झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवघर शहर में दूसरे दिन संघर्ष यात्रा मोहनपुर प्रखंड के चौपा मोड़ में आयोजित की गई, जहां JMM नेत्री निर्मला भारती की अध्यक्षता में कार्यक्रम को विशाल रूप दिया गया। साथ ही संघर्ष यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं JMM अध्यक्ष हेमंत सोरेन का कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गोड्डा लोकसभा में गठबंधन की सरकार चुनाव लड़ेगी और गठबंधन की ही जीत होगी। ये संघर्ष यात्रा का उद्देश्य है कि जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रही है, ये एक आह्वान है। 2019 में जमीन की सरकार बनने जा रही है और मान्य हेमंत जी जनता के बीच आ रहे हैं। आप देखें आज मोहनपुर में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, ऐतिहासिक, कल देवघर में भी हुई थी, ये कई मायने में ऐतिहासिक है। और 2019 में JMM की सरकार बनेगी और ये देवघर विधानसभा का सीट भी हम लोग मान्य हेमंत जी को यहाँ की जनता समर्पित करेगी। ये आप यहाँ की उपस्थिति, यहाँ के लोगों के समर्पण और भीड़ देख के ही आपको लग रहा होगा। 2 दिवसीय संघर्ष यात्रा के लिए पहुंचे JMM कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने देवघर आर मित्रा स्कूल के प्रांगण में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस चौपाल में पार्टी के कार्यकर्ता, शहर के वरिष्ठ बुद्धिजीवी और बिजनेसमैन मौजूद थे। इस चौपाल के माध्यम से वे लोगों की परेशानियों से रूबरू हुए। वहीं लोगों के बीच कार्य करने में और पार्टी को मजबूत करने को लेकर परिचर्चा की गई। इस दौरान हेमंत सोरेन ने सभी की बातें सुनी और उस पर विचार करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोक लज्जा का कोई मतलब नहीं रह गया। आज ना इनको संविधान से कोई डर है, ना लोकतंत्र से कोई डर है, ना इनको नीति सिद्धांत से कोई नहीं। आज जो निर्णय हुआ है इससे प्रतीत होता है कि झारखंड विधानसभा पूरी तरीके से रघुवर सरकार के गिरफ्त में है और एन केन प्रकारे अपनी सरकार बचाए रखना चाहता है। इतना निरीह, इतना कमजोर, इतना
इतना विवश विधानसभा हमने कभी नहीं देखी, और मैं समझता हूँ कि देश में ये विवशता का उदाहरण अगर कहा जाएगा इस तो ये झारखंड विधानसभा होगा, क्योंकि समय समय पर विधानसभा अध्यक्ष के उद्गार भी आप लोगों ने सुना है, देखा है, छपा है, दिखाया है, और कहीं ना कहीं आज के इस निर्णय से पुनः ये साबित होता है कि इस सरकार के पास या सरकार के सोच में जन भावना का कोई कद्र नहीं। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले स्वदेशी मेला का 21 फरवरी को विधिवत समापन हो गया। इस मौके पर नगर निगम उप महापौर नीतू देवी, स्वदेशी मेला के संयोजक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साथ ही स्वदेशी मेला में हुए आयोजनों के सहभागिता विद्यार्थी भी उपस्थित थे। वहीं मेला संयोजक ने कहा कि 10 दिन तक स्वदेशी मेला चली, जिसमें शहरवासी बढ़ चढ़ कर खरीदारी किए और इस मेले के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में विजेताओं को मेडल और सभी को प्रमाण पत्र दिए गए। स्थानीय शिवलोक परिसर देवघर में स्वदेशी जागरण द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला का आज समापन है। आज इस समापन के अवसर पर हमारे प्रांत के संयोजक श्री राजेश उपाध्याय जी, हमारे डिप्टी मेयर नीतू देवी जी, हमारे प्रभात खबर के संपादक श्री संजय मिश्रा जी, अच्छा जी जो हमारे जिला प्रचारक है संघ के, सभी लोग की उपस्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ कई अन्य गणमान्य लोग यहां आए हुए हैं और आज समापन के अवसर पर जितने भी प्रतियोगिताएं हुई है बच्चों की भी, सभी को आज प्रशस्ति पत्र, ये सर्टिफिकेट दी जाएगी स्वदेशी जागरण की ओर से। और जो विजेता है, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं, उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए आकांक्षा न्यूज के साथ। नमस्कार। मधुपुर में संघर्ष यात्रा के दौरान जनसभा में भाजपा पर जमकर बरसे हेमंत सोरेन, कहा आवाज उठाने वालों को जाना पड़ता है जेल। विधायकों के पक्ष में आदेश देने के बाद जेवीएम कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उराव का टावर चौक पर किया पुतला दहन। वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा का किया गया शुद्धिकरण, जेएमएम का झंडा लगने के बाद किया गया शुद्धिकरण। और 10 दिवसीय स्वदेशी मेला का विधिवत किया गया समापन, उप महापौर सहित संघ के कई लोग मौजूद।